नमस्कार, आइए आपको मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते हैं, जहां मृतक के परिजनों को अस्पताल में लगी गार्ड ने लाठी डंडों से पीटा, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेपी मोड़ के पास बीती रात खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने ठोकर मार दी थी। आपको बताते चले कि जिससे चालक राम नरेश तिवारी पिता त्रिवेणी प्रसाद तिवारी निवासी पड़वागढ़ की मौत हो गई। आज सुबह उसके परिजन बोलेरो वाहन लेकर गेट पर खड़े थे, तभी गाड़ी हटाने को लेकर गढ़वा बोलेरो में सवार परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बड़ी कि अस्पताल की पूरी गार्ड ने मिलकर तीन लोगों को लाठी डंडों से पीट पीट कर बेहाल कर दिया। इनमें से एक का सिर फट गया है। इसके बाद उन पर इतना दबाव बनाया गया कि वह घायल अवस्था में ही वहाँ से चले गए। यहाँ तक कि घटना की शिकायत भी नहीं कराने दिया गया। सारी तस्वीर वीडियो में साफ नजर आ रही है कि किस तरह से परिजनों को बेरहमी से पीटा गया। जो परिजन अस्पताल में शव लेने के लिए रुके हुए हैं, उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया है कि वह कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है। वह केवल शव लेकर भागना चाहते हैं। प्रयाग एफएम न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। अभी मारपीट की घटना हुई है आपके यहाँ गार्ड और परिजनों के बीच में, क्या मामला था? सर, ये जो परिजन आए हुए थे बाहर, तो कहीं गाड़ी खड़ा कर रहे थे एसजीएमएस गेट के सामने, वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के अलाउड नहीं है। गार्ड अकेला तो उन्होंने रोका, उस गाड़ी के अंदर तीन चार आदमी थे, उन्होंने उतर के गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया। फिर गार्ड ने वहाँ से बिसिल मारा, बाकी गाड़ी भाग के गई। जब तक और पहुंचे उन्होंने फिर बोलेरो में बैठे और वापस भाग गए। उसमें से किसी का शव फूट गया है, हमको ये पता चला उनके किसी के गार्ड का डंडा लग गया उनका शव। जब तक मैं पहुंचा उस समय, तो जब मैं पहुंचा तो गाड़ी में बैठ चुके थे, मैं तो यहाँ ऑफिस में बैठा हुआ था। जब हल्ला सुना तब मैंने ऐसे भागता हुआ गया यहाँ से। इतने घटना ये हुई है, मैं गार्ड से बुरा क्या बोला सर, ऐसी ऐसी बात है। गार्ड को झापड़ झापड़ मारने लगे तीन चार आदमी थे, कोई एक दो आदमी मिले मेरे को, बोले हम ट्यूनी के हैं। मैं ठीक है भाई, क्यों बात क्या हुई वो तो बताओ। वो बैठे गाड़ी चले गए, यही गाड़ी।